भारत के सबसे सफल इंटरनेट उद्यमी श्री संजीव बिखचंदानी ने एक छोटी सी शुरुआत की थी, पर वे कभी हिम्मत नहीं हारे। इन्फो एज के संस्थापक संजीव जी ने जब नौकरी.com शुरू की तो शायद सोचा भी नहीं था कि यह इतनी लोकप्रिय और विशाल बन जाएगी, पर अपनी गहन ग्राहक दृष्टि को केंद्र में रखकर उनके अथक परिश्रम से यह संभव हो पाया। जीवनसाथी.com, 99acres.com और allchecksdeal.com जैसी प्रतिष्ठित और मशहूर वेबसाइट्स के जनक श्री संजीव बिखचंदानी से अनुरोध है कि कृपया अपने विजन और इस सफलता के पीछे छिपे राजों को हमारे साथ शेयर करें। श्री संजीव बिखचंदानी। धन्यवाद। डेढ़ साल पहले या शायद दो साल पहले IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर राकेश बसंत से मेरी बात हुई थी और प्रोफेसर सुनील हंडा से बात हुई थी और हम सोच रहे थे कि देखिए जो IIM अहमदाबाद और जो बाकी IIM के स्टूडेंट्स जाते हैं, जो विद्यार्थी जाते हैं, वो सब ज़्यादातर नौकरी की तलाश करते हैं किसी मल्टी नेशनल में या किसी फाइनेंशियल सर्विस में, इन्वेस्टमेंट बैंक में। और बात ये हुई कि हम क्या कर सकते हैं कि लोग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ध्यान दें और सोचें कि गोल्डमैन सैक्स नहीं ज्वाइन करना, मेरिकल इंच नहीं ज्वाइन करना, लीगल ब्रदर्स नहीं ज्वाइन करना, अब अपना कुछ अलग से कुछ करना है। तो उस समय हमें विचार आया, ख्याल आया कि जो जो एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ कई सालों से कुछ कर रहे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, लेकिन जिनकी कहानियाँ इंटरेस्टिंग हैं, अगर वो हम कहानी डॉक्यूमेंट करें और वो किताब अगर हर एक IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स को दी जाए फर्स्ट ईयर की शुरुआत में, तो शायद कुछ इंस्पायर हो, प्रेरित हो और शायद वो कुछ अलग चीज़ करना चाहें। तो रश्मि भी IIM अहमदाबाद की है, खुद एंटरप्रेन्योर है, खुद लिखती हैं, मैगजीन चलाती हैं, ब्लॉग चलाती हैं बहुत सक्सेसफुल। तो उन्होंने काम शुरू किया और ये किताब इंग्लिश में पब्लिश हुई आई थिंक June 29 को 2008 में IIM अहमदाबाद में एक एलुमनाई एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे ये किताब रिलीज हुई और उस समय मेरे ख्याल से 1000 कॉपियाँ शायद छापी थी रश्मि। उस समय हमने सोचा था कि शायद ये केवल IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स के लिए होगी और उनको दी जाएगी। शिवरमन जी आए हैं, कदर स्वागत करें। तो उस समय तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था ये, 1000 कॉपियाँ छपी थी और अगर 250 स्टूडेंट आ रहे हैं हर साल तो 4 साल चल जाएगी 1000 कॉपी का प्रिंट रन। और वो किताब रिलीज हुई और स्टूडेंट्स को दी गई और कुछ और लोगों को दी गई और फिर डिमांड आने लगा कि शायद 5000 छाप दो तो शायद बाहर भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हो किताब खरीदने में। तो सुनील हंडा, प्रोफेसर सुनील हंडा ने यह कहा कि अच्छा जो जो 25 लोग हैं उन सबको बोलो 500 कॉपी का पैसा दे दें, क्योंकि हमारे पैसे नहीं थे किताब छापने के लिए। तो हम सब ने थोड़ा बहुत पैसा पूंजी लगाई और उससे वर्किंग कैपिटल निकला इस अगली 5000 कॉपी छापने का। और विचार ये था कि उसको रोल ओवर करेंगे, 5000 बिकेंगे, पैसे आएंगे, फिर और छापेंगे अगर और बिकी तो करते करते आई थिंक September 2008 में बाहर के मार्केट में रिलीज हुई और आई थिंक July 2009 तक 1,00,000 कॉपियाँ बिक चुकी थी। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट बुक्स में कुछ रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। और अगर सारे बुक्स देखें तो हैरी पॉटर कितना बिकता है हिंदुस्तान में सर, कुछ 1.5 लाख 2 लाख बिकता नहीं, तो ये हैरी पॉटर से ज़्यादा बिकी है। एक ऑथर है चेतन भगत, वो ज़्यादा बेचते हैं लेकिन वो भी IIM अहमदाबाद के ही हैं तो उसको भी हम हमारी किताब मांगते हैं। तो आई थिंक और मुझे हर हफ्ते 5-6 मेल्स आती हैं क्योंकि रश्मि भी हमारे ईमेल आई छापती हैं वो किताबें, तो उससे मेरे को 5-6 मेल आते हैं हर हफ्ते, जैसे रश्मि को भी आते हैं, मेरे ख्याल शांतु को भी आते हैं, हर एक को आते होंगे।
और हर रोज शायद तीन चार कस्टमर कंप्लेंट भी आ जाती हैं कि नौकरी में मैंने रेज्यूमे डाला पे हुआ, तो वो भी अच्छा है क्योंकि हमारी इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव आवर सर्विसेज, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट आल्सो. बट आई थिंक जो संदेश रश्मि ने भेजा है हमारे उदाहरण के तौर युवा लोगों को हिंदुस्तान में, कि आप अपना कुछ अलग से सोच के कुछ करो, डू नॉट नेसेसरली फॉलो द वर्ल्ड, थिंक डिफरेंट. एंड आई थिंक वो जो मैसेज है आई थिंक काफ़ी लोगों को तक पहुंच चुका है औरों को भी शायद पहुंचेगा. एंड इसके लिए मेरे ख्याल से रश्मि जी ने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू द कॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस कंट्री. धन्यवाद. धन्यवाद संजीव जी. अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं. मंचस्थ विभूतियों से आग्रह है कि कृपया स्ट्रे हंग्रे स्ट्रे फुलिश का के हिंदी संस्करण का लोकार्पण करने का कोशिश करें. पुस्तक के दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, हार्ड बाउंड लाइब्रेरीज के लिए और पेपर बैग आम व्यक्ति जो इसमें रुचि ले उसके लिए. आज यहाँ ये दोनों संस्करण लोकार्पित हो रहे हैं. शांतनु जी के माता पिता जी श्री जगदीश प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ वे आए और पहले प्रति स्वीकार करें. ये गौरव का क्षण है क्योंकि भारत की राजभाषा हिंदी में पुस्तक आज लोकार्पित हुई है. आप सबको हार्दिक बधाई. Thank you.